हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मयंक, जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऐसे ही ब्लॉगिंग करता रहता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, कुछ सोशल इश्यूज पे हम बात करते रहते हैं। अभी आज हमारे साथ हैं हरमीत भाई, ये पंजाब के रहने वाले हैं, चंडीगढ़ से हैं। तो आज हमने बस ऐसे ही एक रैंडम सा दिमाग में आया कि कुछ बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं जो सच में हो रही हैं और उनको एक्सपोज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बेसिकली बात करेंगे जो अभी पिछले 5 साल बीते हैं और अभी जो ये दूसरा गवर्नमेंट का कार्यकाल चल रहा है, 1 साल इसमें से भी लगभग लगभग बीतने वाला है। तो हम बात ये करेंगे कि अब तक क्या क्या गवर्नमेंट ने अचीव किया हुआ है और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट फेल हुई है। ना कि हम किसी बहुत बड़े चीज़ पे बात नहीं करेंगे, फॉरेन पॉलिसी और इन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, हम ग्राउंड लेवल पे बात करेंगे जिसकी बात कोई नहीं करता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हरमित से जानना चाहूंगा, ये पंजाब से हैं, पंजाब की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है और वहां पे क्या चीजें बदली हुई हैं केंद्र में सत्ता बदलने के बाद, और क्या चीज अभी बदलना बाकी है। देखो मयंक, जहाँ तक बात पॉलिटिकल स्टेटस की रहती है तो वो मोर और लेस पूरे इंडिया में सेम रहता है। तो सबसे ज़्यादा वही होता है कॉमन के हर कोई आता है, वादे करता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तो पंजाब भी भारत का हिस्सा और पंजाब में भी कुछ बदला नहीं है। ठीक है, कैंपेनिंग करी उन्होंने, लोगों ने बोला ये करेंगे, अमरिंदर सिंह ने बोला ये करेंगे, इतना जॉब्स देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जो पहले था हाल वही आज भी है। मैं ये बोलूंगा कि हाँ, कुछ चीजें हैं जो बदलती रहती हैं और वो समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसा कि है लोगों का व्यवहार, या लोग और ओपन हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग बढ़ जाती है। बट अगर ऐसा देखा जाए लेकिन तो लोगों की थिंकिंग तो कहीं से नहीं बदली है। लोगों को तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम के साथ लोगों को एजुकेट होना चाहिए, ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। लोग आज भी वहीं फंसे हैं या उससे भी ज्यादा बुरी तरह से फंसे हैं। मैं फेसबुक पे लोगों की एक्टिविटी देखता रहता हूँ, आर्थिक मंदी चल रही है, रिसेशन का दौर चल रहा है, कुछ भी मॉब लिंचिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लोग उसको एज अ अचीवमेंट प्रमोट कर रहे हैं। मतलब फेसबुक पे लोग लिख रहे हैं कि नहीं, ये जो भी अभी गवर्नमेंट ने एक ये परिवहन विभाग ने कुछ किया हुआ है, कुछ अपना नया बिल पास किया हुआ है कि कोई भी गाड़ी आ रही है उसको डॉक्यूमेंट नहीं है तो 10,000 रुपए, एक बंदे को 27,000 रुपए का उन्होंने बिल थमा दिया, उसने वहीं पर अपनी बाइक फूंक दी। फिर भी लोग इससे प्रभावित हैं, लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन लोग इसको सपोर्ट करें, लोग इसको प्रमोट करें, तो लोगों की थिंकिंग तो डाउनफॉल जा रही है, तो कहीं से लोगों की थिंकिंग मेरा उस मानना तरीके की ये है। है कि सोशल मीडिया पे जो हम देखते हैं, पहले मीडिया का दौर था, अब सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल ठीक हाँ, है, तो दिखावट बहुत ज्यादा है। तो मैं जो भी देखता हूँ सोशल मीडिया पे, मैं उसे नहीं मानता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, बट अभी भी डबल चेक करता हूँ सोर्स के, कहाँ से आया है, कौन है, क्या ये वाकई में हो रहा है। बिकॉज चाहे हम मीडिया की बात करें, चाहे सोशल मीडिया की बात करें, मीडिया भी पैसे से चलता था, और बिल्कुल अब आजकल आप देख रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया के जरिए भी पैसा कमा रहे हैं। कमा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड सेटिंग, हम जिसे एक टर्म यूज करते हैं कि ट्रेंडिंग में है। तो फेमस होना सोशल मीडिया पे भी एक तरह से ट्रेंड है, और लोग उसको अपने एक अचीवमेंट मानते हैं। पहले लोग अपने आसपास में या अपने मोहल्ले में फेमस हुआ करते थे, अब ग्लोबल जमाना है तो सोशल मीडिया के जरिए से कुछ ना अपने कुछ करके, चाहे मतलब वो उसका मैं मानता हूं ठीक है, फाइन, बहुत ज्यादा है, हर कोई नहीं दे पाएगा, मेरा होगा, मैं भी नहीं भुगतान कर पाऊंगा। पर अगर जैसे हम ट्रेंडिंग की बात करें, तो कुछ लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, चाहे उनका नुकसान ना भी हुआ हो। अब जैसे आप बोल रहे हो, एक का चालान हुआ है, एक मैंने देख रहा था कि उसने अपनी जीप फूंक दी टिकटॉक के वीडियो के कारण, जस्ट एक टिकटॉक के वीडियो बनाने के कारण बीच सड़क में गाड़ी खड़ी करके पेट्रोल डाला और आग लगा दी। वो तो दूसरी चीज हो गई ना, वो तो पब्लिसिटी स्टंट हो तो गया। सेम है, आई थिंक हमारा सिर्फ कहने का जरिया एक फर्क है, पर जो भी हम एक तरह से बात कर रहे हैं वो मोर और लेस सेम है। अब बात रोजगार देने की आती है। आपने कहा कि आपके अमरिंदर सिंह ने कहा रोजगार देंगे, हमारे यहाँ भी रोजगार की बातें होती हैं, लेकिन रोजगार कहाँ से देंगे? इंडस्ट्रीज तो हमारे तरफ आ नहीं रही है। आईटी बिल्कुल सेक्टर गुड़गांव, बेंगलोर, चेन्नई और ये सारी जगहों पे आईटी सेक्टर अपने तरफ है नहीं। हमारे यहाँ योगी जी ने, या सॉरी इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव ने, एचसीएल को वहां ले गए। एचसीएल ने वहां क्या फंडा बना रखा है कि पहले फ्रेशर्स से 1,60,000 रुपए लेता है, एक प्रोग्राम के थ्रू उनको यहाँ गुड़गांव में ट्रेन करता है, फिर उन्हें 1,80,000 का पैकेज, 15,000, मात्र 15,000 रुपए सीटीसी पे लखनऊ में ज्वाइन करा रही है। कोई क्यों लखनऊ जाना चाहेगा? आपके यहाँ भी वही हाल होगा, आपके यहाँ भी कोई ऐसी इंडस्ट्री लगी नहीं है। तो जब तक इंडस्ट्रीज वो नहीं लगाएंगे, सरकारी क्षेत्रों में हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है, सरकारी क्षेत्रों को कन्वर्ट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, नौकरी कहां से कोई दे पाएगा? बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात है। और सिर्फ आईटी की नहीं, जब इवन हाँ, अगर हम ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी भी, बात बिल्कुल करें, बिल्कुल कि कोई भी इंडस्ट्री होगी जब तक उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किसी भी प्रदेश में नहीं होगा, या इनफैक्ट वो जब तक एक गढ़, या इंग्लिश में बोलते हैं कि हब नहीं बनता है, बिल्कुल
तब तक वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। और वैसे ही टैक्स हम इतना भर रहे हैं, पहले हम इनकम टैक्स देते हैं, कुछ खरीदते हैं उस पर टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स देते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, तो आधी हमारी जो आमदन है वो तो टैक्स में जा रही है, ठीक है। और रही बात कि एम्प्लॉयमेंट है, अगर कोई खुद से करना चाहता है तो उसको आधी चीजें तो समझ में नहीं आती कि कौन सा कहाँ रजिस्टर करूं, कौन सी धारा लग रही है, कौन मेरे को कितना रिटर्न करना है, क्या है। तो ओवरऑल इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ चुका है हमारे सिस्टम में कि एक आम आदमी जो कि मेहनत करना भी चाहता है वो टैक्स चोरी इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि टैक्स भर के भी मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो कहता है कि जब तक मैं बचा सकता हूं मैं बचा लेता हूं, जब कि तब होगा तो रिश्वतखोरी के लिए तो है ही हमारा देश बहुत फेमस। वो तो करप्शन तो कभी खत्म होने वाला नहीं है, पहले कहा जाता है जब यूपी में बीजेपी आई है पहले जो काम चोरी अभी भी हो रहा है, बस चोरी का दाम बढ़ गया, पहले चोरी एक्चुअली होता क्या था, और माध्यम 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 बदल गया। एक्चुअली पहले क्या होता था कि खुलेआम चोरी होती थी, खुलेआम जो काम आपको तब 5 लाख रुपए में होते थे, अब वही काम थोड़ा सा चैनल बन गया, उल्टा हो रहा है और वो 5 की जगह पे आपको 15 देने पड़ रहे हैं। चोरी अभी भी हो रही है, हर चीज वैसे ही है। और अब बात अगर रोजगार की करें तो रोजगार देने में सरकार पूरी तरह से फेल हुई है, पूरी तरह से फेल। ये जो आर्थिक मंदी चल रही है, छोटे छोटे स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, कैसे मेक इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया पे सारी चीजें तो आप बाहर से मंगा रहे हो, और रही बात मेक इन इंडिया की, जो स्टार्टअप है उनको आप वो नहीं करें, सीसीडी का मालिक सुसाइड कर रहा है, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो हथियार डाल के अपना साइड लाइन पकड़ रहे हैं, तो उनको जब आप इनकरेज नहीं करेंगे, उनको आप वो नहीं करेंगे, उनको आप हेल्प नहीं करेंगे और बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया की, मेक इन इंडिया की, कहीं कुछ भी नहीं होने वाला। ये सारी चीजें बस एक प्रोपोगेंडा है अपने आप को प्रमोट करने की। और दूसरी जो सबसे मुश्किल वाली चीज है, जैसे कुछ ऐसी चीजें हो रही है सोसाइटी में, हमारे मिर्जापुर में मैंने सुना था कि बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खिलाई गई थी, ये सोशल क्राइम है, ये कोई वो नहीं है, कोई वायलेशन नहीं है, बल्कि ये सोशल क्राइम है, और इन सब चीजों पे एक्शन होना चाहिए। जिस पत्रकार ने इस चीज को एक्सपोज किया था उस पत्रकार को सरकारी काम में दखल देने के उस पे केस कर दिया गया है। तो ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो ये और क्या है? आपके सामने कोई कोई स्लॉटरिंग कर रहा है, कोई बंदे का गला काट रहा है, आप उसका वीडियो बना रहे हैं और अगर उसको दे रहे हैं या पुलिस के पास जा रहे हैं तो ये तो फिर आपको उल्टा अरेस्ट कर लिया जा रहा है, ये तो बहुत गलत चीज है। मैं गलत चीज है, आई थिंक इसके अलावा भी जो एक हमारे भारतवासी में है ना कि ये तो ऐसे ही चल रहा है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब तक हम वो सोच नहीं बदलते हैं, मैं नहीं कह रहा कि बाकियों को, मैं भी वैसा हूँ, सब वैसे ही, मैं भी सिस्टम का हिस्सा हूँ, आप भी सिस्टम का हिस्सा है, और सोसाइटी भी ऐसे ही चल रही है कि ये तो ऐसा था ये तो ऐसे ही चलेगा। कोई अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है, और अगर कोई बहुत ही ज्यादा उठाता है तो बंदा उठा लिया जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी अपने जान प्राण क्यों गवाए, तो अगर कोई कुछ करना भी चाहता है तो वो अपने जान के डर से चुप हो जाता है, फिर उसको ये डर रहता है कि मेरे अलावा मेरे परिवार को हैरासमेंट अलग से करा जाएगा, मेरी जो आर्थिक जिंदगी है उस पर प्रभाव पड़ेगा, मेरा जो आसपास है, मेरा जहाँ जॉब कर रहा हूँ वहां पर मेरी बदनामी अलग होगी, जबकि असल में होता कुछ नहीं है, सिर्फ लोग बातें कर रहे होते हैं। अगर कोई आपके बारे में 4 बातें कर रहा है उसको मीडिया उछाल दे तो आप भी फेमस हो जाएंगे, चाहे वो सही रीजन के लिए हो चाहे वो गलत रीजन के लिए। कन्हैया कुमार को आज के समय में कोई नहीं जानता, एक जर्नलिस्ट है प्रशांत कनौजिया, अगर आप उसका ट्विटर पे उसको फॉलो करेंगे या फेसबुक पे देखेंगे, वो बस जहर उगलता रहता है सोशल मीडिया पे आके, उसको कोई नहीं जानता था, द वायर के लिए वो लिखता था, उसको योगी जी ने उठवा लिया क्योंकि योगी जी के अगेंस्ट उसने कुछ वो बोल दिया था, किसी लड़की ने बोल दिया था कि मैं योगी से शादी करना चाहती हूँ, उसने इसका थोड़ा सा अजीब से तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, योगी ने उठवा लिया उसको, 2 दिन अपने यहाँ रखा, फिर उसे छोड़ना पड़ा। आज के डेट में इसी वजह से वो इतना फेमस हो गया है कि वो अब उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, वो जो बोलता है लोग उसको सुनते हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलता जो सही हो, हमेशा वो गलत बातें करता है, केवल सोसाइटी में नफरत फैलाने का काम करता है, कास्टिज्म की बातें करता है, इससे अलावा कुछ नहीं करता। तो गवर्नमेंट भी अब कन्हैया कुमार को इतना ही लोगों ने वो कर दिया, अगर कन्हैया कुमार को वहीं पे या तो जो किया था उसके लिए प्रॉपर सजा देते, मीडिया का पूरा रोल था, गवर्नमेंट का पूरा रोल था उसको, जो आज कन्हैया कुमार को पूरा देश जानता है, नहीं तो उसको कोई नहीं जानता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग ना बहुत गलत चीजों से प्रभावित होते हैं, और सोशल मीडिया तो खैर अब तो एक जरिया ही हो गया है कि हर, मैं बोलूंगा पहले 10 में से 2 लोग थे, अब 10 में से 6 या 7 का आंकड़ा है कि लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो आई थिंक के हर किसी को अगर सहूलियत दी जा रही है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो ये रहा है कि हमें अगर कोई कुछ देता है, और खास करके अगर कोई मुफ्त सेवा देता है तो बोलते हैं और दीजिए। बिल्कुल, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे प्रपोजल था कि गूगल फ्री वाईफाई देगा,
तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं तो एक लिमिट होता है कि आप 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स या 1 घंटा, डिपेंडिंग के कितना वहाँ का आवाजाही है या कितना उसका रिक्वायरमेंट है। तो लोगों ने गूगल को ये बोला कि अगर आप दे रहे हो फ्री में तो पूरे दिन के लिए फ्री में दीजिए। तो वाईफाई आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं, आपकी सहूलियत के लिए दिया जा रहा है कि अगर आपको कुछ जैसे रिजर्वेशन का कुछ चेक करना है, ट्रेन का स्टेटस मतलब चेक ऐसा करना होना है, चाहिए कि हाँ कि मतलब कंट्रोल हाँ रखना ऐसा चाहिए। होना चाहिए कि अगर आप स्टेशन पे हैं तो आपको बस रेलवे की साइट से वहां पे एक्सेसिबल होंगे। नहीं, एक्सेसिबल की बात नहीं, फिर तो वही होगा ना, फिर तो हम पूरा एक चीज कंट्रोल कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि 15 मिनट जो आपको प्रयोग करने के लिए दिए गए हैं, आप उसमें चाहे गेम खेलिए, आप उसमें चाहे गाना बजाइए, कुछ भी नहीं बट कीजिए। वो तो अनलिमिटेड होता है, साइन अप करिए आप हाँ, पर अनलिमिटेड लेकिन होता है। अगर हम लोग ये नहीं ना सोचते, हम अपने बारे में सोच रहे हैं सारा कुछ, हमें ये भी सोचना होगा कि हम जैसे वहां पर लाखों, और कई कई गाँव में, कई कई शहरों में तो इतना आवाजाही होता है। जैसे दिल्ली का एक जो स्टेशन है, ठीक है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एक बहुत ही ज्यादा बिजी स्टेशन है, जहां पे कम से कम भी मेरे हिसाब से 5 से 10 लाख लोग आवाजाही करते होंगे एक दिन बिल्कुल में। बिल्कुल तो मानिए अगर 5 से 10 लाख लोग उस सिस्टम को प्रयोग करें 24 घंटे, तो उस सिस्टम का कहाँ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई फ्री में दे रहा है, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगा, वो बिल्कुल होगा। कौन भरेगा? क्या हम भरेंगे? क्या हमारा इनकम टैक्स से लिया जाएगा? क्योंकि ठीक है, लोग सेवा मांगते हैं, लोगों को सेवा दी जाती है, पर लोगों को यह भी समझना चाहिए कि अगर कोई निष्कर्ष सेवा आपको दे रहा है, तो लोग किसी ना किसी को भरपाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सरकार हो, या चाहे वो एक जनता का आम कोई भी नागरिक हो, देश का नागरिक हो, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। किसी भी चीज को अगर आप सेवा लेते हैं तो उसकी कोई एक प्राइस होता है। बिल्कुल, फ्री कुछ भी नहीं फ्री होता। कुछ भी नहीं होता, फ्री में सिर्फ लोग ज्ञान देते हैं, और कुछ हद तक हम भी दे रहे हैं। तो सिर्फ फ्री में लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि पहले अगर हम दूसरों को कुछ बोले, खुद खुद से स्टार्ट करना इम्प्लीमेंट चाहिए, करें। इम्प्लीमेंटेशन खुद से होना चाहिए। कि अगर हमें कुछ चीज सोसाइटी का नहीं अच्छा लग रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे कुछ भी है, क्या आप खुद उस चीज को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आप सिस्टम का हिस्सा हैं या कि आप सिस्टम से बिल्कुल, अलग चल रहे हैं? अभी सोशल मीडिया पे दो तरीके के लोग हैं, एक तो ये हैं जो कि बीजेपी विरोधी हैं, एक वो हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी मानवता का, देश का विरोधी या देश का हितैषी नहीं दिख रहा है। उसमें सिर्फ दो लाइंस बनी हुई है, एक तो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूं, दूसरा मैं बीजेपी का विरोध कर रहा हूं। ऐसा कोई भी नहीं है जो पार्टी के लेवल से हटके सोचता हो। मिर्जापुर में बच्चों को नमक रोटी खिलाई गई, इसको किसी ने बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं किया। लोगों की जॉब जा रही है, छोटी छोटी स्टार्टअप्स कंपनियां बंद हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि वो स्टार्टअप गलत कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उन पे शिकंजा कसा है और इसलिए वो बंद हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब गवर्नमेंट आई थी तो 2014 में मोदी जी का बस यही था कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का था कि हम सबको रोजगार देंगे, सबको एक अच्छा एनवायरमेंट देंगे, कहीं भी करप्शन खत्म करेंगे, काला धन वापस लाएंगे। अगर आज काले धन पे क्वेश्चन करने वाला कोई भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कि बात करे कि स्विस बैंक का जो रिकॉर्ड आया था, जूलियन असांजे ने बोला था एक बार अर्णब गोस्वामी से कि सबसे जो ज्यादा पैसा, लोग कहते हैं भारत गरीब है, सबसे ज्यादा पैसा स्विस बैंक में इंडिया का है। वहां से लिस्ट भी आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको पब्लिक करो, वो आज तक पब्लिक लिस्ट नहीं हुई। क्योंकि किसका करेंगे, उसमें तो सारे कुछ कांग्रेस के भी हैं, कुछ बीजेपी के हैं, सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। अगर वो किसी का करेंगे तो अपना भी नाम खराब होगा। तो प्रॉब्लम ये है, चोर तो आपके घर में भी बैठे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मिडिल क्लास में प्रॉब्लम है। पैसे हमारे जा रहे हैं, हमें सुविधाएं, हमें कुछ नहीं मिल रही है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, इनइक्वेलिटी बढ़ती जा रही। जो गैप था, जो दायरा था गरीबी और अमीरी का, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा वो है। तो बढ़ेगा मैं। और इससे पहले कि हम और बड़े मुद्दों के बारे में बात करें, मेरा ये मानना है कि अगर हम छोटे मुद्दे पहले खत्म करेंगे, तभी बड़ों के ऊपर जा पाएंगे। बिल्कुल। अब एक एग्जांपल दूंगा, कास्टिज्म, ठीक है, रिलीजन, रिलीजन ठीक है। अब कल इसरो का लैंडिंग था, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है कि हाँ कुछ होगा, कुछ होगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था यूनिटी। यूनिटी चाहे मैं पंजाब से हूं, आप यूपी से हैं, चाहे कोई केरला से है, चाहे कोई अंडमान में बैठा है, चाहे कोई किसी भी दुनिया के कोने में बैठा है, अगर वो भारतीय है तो उसे बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि चाहे मिशन जो था वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन एक अटेम्प्ट करा गया अटेम्प्ट बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो आई थिंक हमें भी ऐसे ही सीखना चाहिए।
कि ठीक है प्रॉब्लम आती जाएगी जिंदगी का नाम अगर दूसरा ले तो वो दिक्कत ही है। ठीक है, तो मानना मेरा ये है कि जैसे जो छोटे छोटे इश्यूज है ना, जो डेली इश्यूज होते हैं, अगर हम उनको कम कर पाए तो आई थिंक जो हमारे बड़े इश्यूज हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। अब ये मान लीजिए आप हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, मैं सिख धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन कभी आज तक ऐसा हुआ है कि मैंने आपके अगेंस्ट कुछ बिल्कुल गलत कुछ बोला हो कभी या नहीं ऐसा इन्होंने हुआ। कुछ मेरे अगेंस्ट बोला नो हो? नो मैं कहता हूँ हमारा कल्चर भी अगर बैक ट्रैक करा जाए तो हमारा जो रहन सहन है, यहाँ पहनावा है, बहुत अलग अलग है, है लेकिन हमारी सोच थॉट्स वो एक है। तो वही कहते हैं ना, जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। रिलीजन कभी किसी को अलग करने की बात नहीं करता रिलीजन चाहे है। कुछ भी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बुद्ध हो, हर कोई ये कहता है कि हर कोई इक्वल है, भगवान हर जगह है। तरीके पाने के अलग अलग हो सकते हैं, हाँ, सोच अलग हो सकती रिलीजन है। का यूज होता है सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में होता है और हो भी रहा है, तो रिलीजन को तो कभी बीच में आने ही नहीं देना चाहिए। कोई मतलब नहीं बनता रिलीजन को बीच में। जो लोग गलत कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम है या जो भी है, क्रिश्चियन है, जो भी है, वो गलत कर रहे हैं तो उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सीधी सी बात और है। सबसे सबसे बड़े पापी तो ये लोग हैं जो खुद धर्म के नाम पर प्रचार करते हैं और बिल्कुल धर्म के उलट अगेंस्ट, चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट चलते अगर हैं। अगर कोई किसी को बोला गया है कि आपको किसी का बुरा नहीं करता, और आई थिंक हर धर्म यही कहता है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। रिलीजन को टारगेट करके आप कुछ अगर चीज मनवाते हो या कोई भी चीज आप फॉरवर्ड कर रहे हो, चाहे वो देश की डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे किसी चीज को सुधार के लिए हो, आई थिंक वो बहुत गलत चीज है एक। और सेकंड जो प्रॉब्लम है, जो आई थिंक रूट कॉज है, वो है रिजर्वेशन। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को तो बस एक तरह से 10 10 साल के लिए अंबेडकर ने इंप्लीमेंट किया था, ताकि जो पिछड़े लोग हैं वो आगे आ जाएं। और जब एक बार, अगर सपोज करिए, अगर कोई एससी है, एसटी है, अगर वो आईएएस बन जाता है, तो उसके बच्चे को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? बिल्कुल। रिजर्वेशन देना है तो लोगों को फाइनेंशियल बेसिस पे दीजिए, उनका उनका जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक आधार बना के दीजिए, जाति और धर्म का आधार बना के रिजर्वेशन तो कभी देना ही नहीं चाहिए। लेकिन वो खत्म कोई क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि खत्म हो जाएगी तो सरकार ही खत्म हो जाएगी। सरकार के पास कुछ रहेगा सरकार नहीं के पास ना। रहेगा नहीं बात करने के लिए, मुद्दा ही कोई नहीं रहेगा वोट मांगने के लिए। जो वोट आता है, जो भी आता है, एक बार ये हमारे यहाँ यूपी में अखिलेश यादव ने बोला था कि अगर मैं सरकार में आ गया, अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, हमारी जो गठबंधन की सरकार बन जाती, तो मैं एक अहिर रेजिमेंट बनवा दूंगा। कितनी निहायती घटिया बात बोली थी। आर्मी ना आपके बाप की है, आर्मी इस कंट्री की है। अब उसमें कम से कम उसमें तो जाति और धर्म मत घुसाइए। आर्मी ने हमेशा, जब भी कुछ गड़बड़ हुआ है, जब भी कुछ देश विरोधी ताकतें वो सक्रिय हुए, आर्मी ने हमेशा डट के मुकाबला किया है और जीत हासिल किया है। अब बिल्कुल आर्मी में आप अहिर रेजिमेंट बनवाते हैं, कोई ब्राह्मण रेजिमेंट, तो खैर जो बना हुआ है सो बना हुआ है, अब नए तरीके से उसमें मत घुसाइए। आर्मी में देश के हर और कोने से ऐसा लोग कहीं नहीं हैं। है कि जो बने हुए हैं वो एक दूसरे के साथ काम नहीं करते, बिल्कुल वो सिर्फ करते हैं, रीजन के बिल्कुल करते हिसाब से हैं। उनका पोस्टिंग हुआ हुआ है। बिल्कुल अगर आप देखें तो कोई अगर सिख रेजिमेंट में है, जैसे जो ऑफिसर लेवल के जो रैंक होते हैं उनका हर 3 साल में तबादला तो होता है। ठीक है, तो कर्नल, या मुझे एग्जैक्ट नहीं है बट आई थिंक कर्नल और कर्नल से ऊपर जो लेवल होता है जिनका, उनका 3 3 साल का पोस्टिंग होता है। तो चाहे वो सिख रेजिमेंट में हो, 3 साल बाद वो किसी और रेजिमेंट में होंगे, और पूरा पैन इंडिया में घूमते हैं वो। तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो सिख रेजिमेंट में हूँ, मुझे तो पंजाब में ही रहना है, या मैं इस रेजिमेंट से हूं तो मुझे यहीं पर रहना है। लेकिन यहाँ पे फिर पॉलिटिक्स आ जाती है, और जहां पे पॉलिटिक्स घुसेगी उस चीज को नरक बना के पॉलिटिक्स छोड़ेगी। अब ये, अब जैसे मुद्दा अभी जो सबसे बुरा चल रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, आर्थिक मंदी को कोई एक्सपोज नहीं कर रहा है। डेमोक्रेसी में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ विपक्ष बहुत ज्यादा डाउन है, विपक्ष के पास अच्छी लीडरशिप नहीं है, इसलिए वो चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। आर्थिक मंदी बहुत गंदे तरीके से कंट्री में आई हुई है, और कहा जा रहा है कि ऐसी आर्थिक मंदी अब तक इस कंट्री में नहीं आई थी। लोगों की जॉब जा रही है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, और उसके लिए कोई बोल नहीं रहा, उसको कोई एक्सपोज नहीं कर रहा, वो भी ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है जैसे गवर्नमेंट का अचीवमेंट हो। तो कम से कम इन चीजों को तो आप देखिए, और जो सही है उसे देखिए। मीडिया क्या दिखा रही है हमें वो नहीं देखना है, हमें वो देखना है जो सच में है। क्योंकि मीडिया बात करेगी फॉरेन पॉलिसी का, मीडिया हर चीज पेड कैंपेन होता है, जिसके लिए पैसे मीडिया को मिलेंगे, मीडिया वही बात करेगी। सही क्या है, गलत क्या है, वो हमारा काम है देखना, और हमारा काम है उस पर बातें करना। केजरीवाल की बात कर लेते हैं। केजरीवाल ने ग्राउंड लेवल में बहुत अच्छा काम किया, लोगों को स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम किया, एजुकेशन पे बहुत बढ़िया काम किया उसने, चिकित्सा में बहुत बढ़िया काम किया है, उसमें लोगों की और ये बेसिक चीज नीड हम होती इसलिए है। नहीं बोल रहे हैं कि दिल्ली में ऑलमोस्ट, दिल्ली के आसपास रहते हुए हमें 1 साल से ज्यादा हो गया, मुझे तो एक बिल्कुल, साल से ज्यादा हो ये गया, तीन साल से सुना ज्यादा था कि दिल्ली में ये हो रहा है, लेकिन जब
अपनी आंखों से देखते हैं तो वाकई में वो चीज मीडिया ने कभी उल्टा है एकदम, मीडिया ने कभी नहीं दिखाई है। पिछले 4 साल 5 साल में हम बोलते हैं कि केजरीवाल ने ये करा वो करा, ठीक है उसका पब्लिसिटी हुआ था, नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुआ, पॉजिटिव भी हुआ, पर अगर आजकल आप देखें उसको गलत रीजंस के लिए एक्सपोज करा जाता है, पर जो असल में उनकी सरकार ने काम करा है उसका कोई वर्णन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मीडिया उसकी नहीं है, उसके पास पुलिस नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, प्रमोशन उसका गलत तरीके से किया जा रहा है। एक गरीब आदमी को क्या चाहिए कि उसके बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो जाए, फ्री में हो जाए, अगर उसके घर में कोई बीमार पड़े तो उसका चिकित्सा फ्री में हो जाए, गवर्नमेंट उसके साथ रहे। केजरीवाल ने ये दोनों काम किया है, दोनों ये काम कोई भी अब तक की गवर्नमेंट चाहे केंद्र लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो किसी ने नहीं किया, वो काम केजरीवाल ने कर दिखाया। चाहे आप उसको मफलर के लिए उसको ट्रोल करें, चाहे उसको चप्पल के लिए ट्रोल करें, चाहे उसको सस्ते कपड़े के लिए ट्रोल करें, जो भी आपको करना है करते रहिए, लेकिन उसने काम वाकई किया है। और हम सिर्फ हमें वही देखना है जो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है, मीडिया का दिखाना हमें हमेशा अवॉइड करना है अगर हमें सच को देखना है तो। मैं मतलब कुछ हद तक आपसे सहमत भी हूँ, और मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं किसी का एग्जांपल नहीं दूंगा, अगर मैं या आप किसी का एग्जांपल दे रहे हैं वो हमारा आंखों देखा है और वो हमारा पर्सनल ओपिनियन है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं हम 100% सही हैं या और आप कहीं सोर्सेस सुने के वो सही है। आप खुद से अपना जो जजमेंट है वो खुद से देखिए कि आपके आसपास जो आपसे कहा गया था या आपसे एक तरह से प्रॉमिस करा गया था कि अगले 4 साल में इतना जॉब्स होगा, इतना ये होगा या एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, या आप सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि आपका खुद का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितना हुआ है बिल्कुल। अगर आप एक या आज से 4 साल पहले एक इनकम कमा रहे थे, उसमें आपका घर अच्छे से चल रहा था, अगर 4 साल बाद अगर इकोनॉमी चेंज हुई है या कुछ डेवलपमेंट हुई है, जो कि कहा जाता है कि डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, जीडीपी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये फैक्टर हम आम आदमी नहीं समझ सकते, पर आपकी आंखें आपको सही चीज दिखा सकती हैं कि क्या आपके एक गाँव की गली या आपके शहर की गली जिसे ठीक होना चाहिए था क्या वो ठीक से बनी है, कितने साल बाद बनी है, किसने बनवाया है। बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, आई थिंक उसको अगर हम सम अप करें कि एक किसी के कहे पे विश्वास मत करो आप, कि जो भी अगर आपको कोई कुछ कह रहा है और अरे यार उसने बोला, तो कानों कान जो खबर होती है ना, मीडिया भी एक तरह से वही कर रहा है, कर रही है मीडिया 100% वही काम कर रहा है कि कानों कान खबर पहुंच रही है। तो आप भी किसी के कान ना बने और अपना खुद के कान का प्रयोग करें, खुद की आंखों का प्रयोग करें। बाकी हमें खुद से ये डिसीजन लेना होगा, हमें खुद से विश्लेषण करना होगा कि गवर्नमेंट ने जो वादा किया वो पूरा किया है कि नहीं, गवर्नमेंट सफल है असफल है, गवर्नमेंट ने बात किया था रोजगार देने का, यहाँ तो रोजगार जाने की नौबत आई है, लोग स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने बोला था स्विस बैंक से पैसे आएंगे, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, एक कार्यकाल बीत गया, दूसरा कार्यकाल चल रहा है, पता नहीं तीसरा कार्यकाल भी इन्हीं का आएगा तो शायद भी तब भी ये चीज हिस्ट्री बन जाएगी, ये तो वादा। तो हमें ये थोड़ा सा देखना होगा कि जो बड़े बड़े वादे किए गए थे उन वादों में से कितना इम्प्लीमेंट हुआ है, तो थोड़ा सा हमें देखना होगा और हमें चीजों को लेकर के सक्रिय रहना होगा, नहीं तो मीडिया और आईटी सेल तो हमें बहुत कुछ दिखाता है। हर एक पार्टी का अपना एक आईटी सेल बना रखा है, इन लोगों को एक यह है कि यंगस्टर्स को जिनके पास जॉब्स नहीं है, जो जिनका काम है बस यही सब करना, उनका उन्होंने ग्रुप बना रखा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। 300 रुपये मैंने सुना था कि 300 रुपये एक दिन का दिया जाता है, व्हाट्सएप के ग्रुप में पोस्ट आ जाते हैं, पोस्ट को कॉपी करके अपने वॉल पे पेस्ट करना होता है और उसके लिए उन्हें 300 रुपये एक दिन के मिलते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल यूथ्स हैं उसमें बड़े बड़े मतलब काफी एजेड लोग भी हैं, और लेकिन ये पूरी तरह से सोसाइटी में एक तरह से भ्रामक स्थिति बनाई जा रही है। खैर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट तो वो भी है, पैसा तो कमा रहा है वो जैसे भी है। तो देखिए बात यहाँ पर पैसे कमाने की नहीं है, बात यहाँ पर किसी को गलत किसी को सही करने की नहीं है, बात यहाँ पर आ रही है कि कुछ भी जो आपके आसपास हो रहा है, चाहे वो दैनिक है, चाहे वो मासिक है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कर रही है, चाहे वो बीजेपी है या वो कांग्रेस है या कोई भी रीजनल पार्टी कर रही है, उससे आपका भला कितना हो रहा है, कितना भला हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है, दोनों चीजें देखना है और दोनों का बैलेंस कितना बन रहा है ये देखना है। हाँ। तो बाकी हम यही अब खत्म करेंगे और फिर करेंगे, फिर कोई ना कोई टॉपिक उठाएंगे, बातें करेंगे, और बात जो भी हम करेंगे ग्राउंड लेवल की करेंगे, चंद्रयान और फॉरेन पॉलिसी और बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं उठाएंगे, वो उठाएंगे जहाँ पे फुटपाथ पे बच्चे सोए हुए हैं, फुटपाथ पे कटोरा लेके लोग बैठे हैं, हम वहां की बात करेंगे, हमें बहुत ऊंचाई की बात नहीं करनी है, क्योंकि
आप चाहे बाहर जा करके आप कितना भी दिखा लें कि हमारी जीडीपी इतनी हो गई है, हो गई हो गई, और आप अपने घर में बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हैं, उनको अच्छे से स्कूलिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप फेल हैं, हमारा तो यही मानना है। बाकी जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं उनका अपना एक अलग विचार है, हमारे अलग विचार हैं। मिलते रहेंगे, फिर बात करेंगे। जय हिंद। बाय।